morning, student. Today I will start revision of chapter number 2, that is I want. इस चैप्टर में क्या होता है, इसकी स्टोरी क्या है? इस चैप्टर में एक लिटिल मंकी होता है और वो एक दिन अपने आप से कहता है कि मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ और मैं बहुत स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। और उसकी ये बात कौन सुन लेता है? फैरी होती है। फैरी का मतलब परी होती है। वो उसकी बात सुन लेती है, किसकी? लिटिल मंकी की। और वो क्या करती है, वो उसे एक मैजिक वैंड देती है। मैजिक वैंड का मतलब जादू की छड़ी देती है वो उसको, और वो उसको कहती है कि तुम ये वैंड ले लो, मैजिक वैंड, इससे तुम अपने कुछ भी विश पूरा कर सकते हो, ठीक है। फिर उसको लेकर मंकी बहुत खुश होता है और वो क्या करता है, उसी फॉरेस्ट में, उसी जंगल में एक जिराफ आता है, ठीक है। जिराफ अपनी जो नेक होती है, क्योंकि जिराफ की नेक क्या होती है, बहुत लॉन्ग होती है ना, तो वो अपनी लंबी नेक से क्या करता है, वो ट्री के जो भी जो स्वीट जो लीव्स होती हैं, मीठी पत्तियां होती हैं, अपनी वो नेक को वो क्या करता है, ऊपर की तरफ खींचकर, मतलब ऊपर की तरफ करके, और वो उस ट्री से क्या है, मीठी मीठी पत्तियां खाता रहता है। तो उसको देखकर वो लिटिल मंकी सोचता है कि मेरी भी इसकी जैसी नेक हो जाए, जिराफ जैसी लॉन्ग सी, है ना। तो क्या, जैसे वो ऐसे बोलता है तो उसकी मैजिक विंड की वजह से, उसकी क्या होती है, मैजिक विंड की वजह से उसकी क्या हो जाती है, जो थोड़ी देर बाद उसकी जो नेक होती है जिराफ जैसी हो जाती है। किसकी नेक? लिटिल मंकी की नेक, ठीक है। फिर उसी जंगल में एक एलिफेंट आता है, तो एलिफेंट को देखकर भी एलिफेंट क्या करता है, एलिफेंट आकर एक रिवर में जाता है और वो अपनी ट्रंक में बहुत सारा पानी भर के वो अपने ऊपर इस तरीके से डाल देता है, अपनी होल बॉडी पे, पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो उसको देखकर भी लिटिल मंकी सोचता है कि मेरी भी इसकी जैसी ट्रंक हो तो थोड़ी देर बाद उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। और उसकी ट्रंक कैसी हो जाती है, उसकी भी मतलब आगे से उसकी भी ट्रंक लग जाती है लिटिल मंकी की, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड टाइम में क्या होता है, उसमें उसको एक ज़ेब्रा नजर आता है। ज़ेब्रा को देखकर, उसकी स्ट्रिप्स को जो देखकर भी लॉयन यही सोचता है कि मेरी बॉडी पर भी इसी तरीके की स्ट्रिप्स हो जाए, मतलब लाइंस जैसी होती है ना, उसकी ब्लैक कलर की लाइंस होती है जैब्रा की, उसी तरीके से वो ये सोचता है कि मेरी भी ऐसी हो जाए और उसकी ये थर्ड विश भी पूरी हो जाती है। उसकी होल बॉडी पर क्या होती है, लाइंस, जैब्रा की जैसे लाइंस हो जाती है। इन सब चीज़ को, जैसे उसकी ये सारी विशेज वो जो सोचता है, वो उसकी जैसे विश पूरी हो जाती है, वो बहुत खुश होता है। अब वो एक रिवर में जाता है, रिवर में तो जाते ही वो अपने आप को क्या है, खुद को देखता है उस रिवर के वाटर में। जैसे वो अपने आप को देखता है, वो जोर से अपने हेल्प के लिए अपनी मदर को बुलाता है, चिल्लाता है, और वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल मॉन्स्टर के जैसे दिख रहा हूँ। मॉन्स्टर का मतलब होता है क्या होता है, राक्षस जैसा, कि क्योंकि उसने ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी भी एनिमल्स की जो चीज़ कुछ भी ले ले, उसने पहले ट्रंक ले ली, लॉन्ग नेक ले ली, देन उसके बाद स्ट्रिप्स, तो वो बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। जो मंकी है ना, बिल्कुल कैसा दिख रहा था, बहुत ही अजीब दिख रहा था। तो उसने जब अपने आप को पानी में देखा, वाटर में देखा, तो उसको लगा कि अरे मैं तो बिल्कुल राक्षस जैसा लग रहा हूँ। वो बहुत मतलब चिल्लाया उस चीज़ के लिए, और वो अपनी मदर को भी ऐसे कहता है कि ये तो मैं नहीं हूँ। उसको लगा कि मॉन्स्टर है, वो खुद को देखकर ही ऐसा सोचता है कि ये तो एक राक्षस है, लेकिन उसकी मदर कहती है नहीं, ये तुम ही हो। तो फिर इस चीज़ को देखकर उसको बहुत ऐसे होता है कि मैं जैसा था, मैं वैसे ही वापस बन जाऊँ। और इस चीज़ को जैसे वो कहता है, तो उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। कुछ देर बाद वो क्या है, अपना जैसे वो पहले था लिटिल मंकी, वैसा ही वो वापस हो जाता है। और जैसे वो अपने आप को देखता है वापस, तो वो उसको देखकर वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। और वो अपनी मैजिक वैंड को क्या करता है, फेंक देता है रिवर के अंदर, क्योंकि अब उसको वो नहीं चाहिए थी, वो जैसा था वो वैसा पहले जैसा ही बन चुका था। और वो उसको देखकर वो बहुत खुश था, और फिर वो कहता है कि मैं जैसा हूँ, मैं कभी भी अब वापस किसी और के जैसे नहीं बनना चाहूँगा, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही बहुत अच्छा हूँ। तो इस स्टोरी से, इस चैप्टर से हमें ये मोरल मिलता है कि कभी भी किसी को भी इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए
कि मैं काश इसकी जैसे बन जाऊं, मैं इसकी जैसे नजर आ जाऊं, मेरी इसकी जैसी ये चीज हो जाए, ऐसी हो जाए। हम भी ये देखकर सोचते हैं ना कभी कभी, हमारे माइंड में भी हो जाता, मन में हमारे ये आता है कि काश मेरी भी ये चीज ऐसी हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, गॉड ने सबको एकदम अच्छे से बनाया, सबको इक्वल बनाया है। इक्वल मतलब सबको बहुत सुंदर बनाया है। अगर कोई किसी की कॉपी करे कि मैं ऐसे बन जाऊँ, मैं वैसे बन जाऊँ, जैसे लिटिल मंकी ने सोचा था, तो वो देखो क्या बन गया, वो तो और भी बुरा लगने लग गया वैसे ही। ठीक है, अब इस स्टोरी तो आपको पता चल गई। एंड देन इसके बाद आपके जो वेरी शॉर्ट जो आंसर बन सकते हैं, जैसे Who says I want to be myself again? ये भी एक short, very short answer ही है, हो सकता है इसमें भी कि who says? यहाँ ये आपका question है passage में, first question, who में who का मतलब होता है कि किसी person का name लिखना है या किसी का भी name लिखना है। Who says कि ये words किसने कहे कि I want to be myself again, कि मुझे वापस खुद के जैसे जैसे मैं पहला हूँ वैसा ही बनना है मुझे, तो ये किसने कहा? लिटिल मंकी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? लिटिल मंकी। ठीक है, वेयर डज द मंकी थ्रो द मैजिक वैंड, वेयर डज द, ये भी बहुत ही वेरी शॉर्ट आंसर ही है, कहाँ फेंकी थी उसने मैजिक वैंड को? इनटू द रिवर, रिवर के अंदर। ठीक है, कहाँ फेंकी थी? रिवर। थ्रो का मीन्स होता है फेंकना, मैजिक वैंड को उसने कहाँ फेंका? रिवर में। नेक्स्ट यहाँ पे अपोजिट बताना है सौरव का। सौरव मतलब दुखी, जॉय हो सकता है इसका, हैप्पी भी हो सकता है, लेकिन इसका वैसे करेक्ट जॉय, JOY, जॉय। नेक्स्ट टेक द करेक्ट आंसर, द फेरी गेव द मंकी अ मैजिक, फेरी ने मंकी को मैजिक क्या दी थी? क्या दी थी? वेंड, WAND, वेंड। सेकंड, द एलिफेंट फिल्ड हिज ट्रंक विद, एलिफेंट ने अपनी ट्रंक को किससे भर लिया था? वाटर से। ठीक है, द मंकी कॉल्ड हिज, किसको बुलाया था मंकी ने हेल्प के लिए, जैसे उसने अपने आप को देखा था? मदर को। ठीक है, नेक्स्ट, हु हियर्स लिटिल मंकी, कौन लिटिल मंकी की बात सुन रहा था या उसको सुन रहा था जब वो ऐसे कह रहा था कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, तब उसने ये सारी बातें किसने सुनी थी? हु हियर्स लिटिल मंकी, किसने? फेरी ने। ठीक है, परी ने। इस तरीके से आपको चैप्टर एक बार अच्छे से पूरा रीड करना है और इसके जो वेरी शॉर्ट आंसर्स बन सकते हैं, अगर आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा तो इसके वेरी शॉर्ट जो आंसर होंगे वो भी आपको समझ आ जाएंगे। सो ईच स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर एंड ऑल्सो लर्न एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।